किसानों के बीच जाकर लगाएगी चौपाल। किसान सम्मेलन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग किसानों के आड़ में अपना काम कर रहे जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसान के हित में विधायक लाई है। कांग्रेस और वामपंथी मिलकर कर रहे हैं आंदोलन। किसान जागरूकता के लिए किसानों के बीच जाकर बीजेपी करेगी जन जागरण। सीएम से सिंधिया की मुलाकात पर बोले वीडी शर्मा, ये एक सामान्य मुलाकात है, ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय में काम करती है। भोपाल से संवाददाता मुकेश सरवैया की रिपोर्ट। इस प्रकार से देश के अंदर किसान आंदोलन की आड़ में वामपंथियों ने फिर ऐसे लोगों को जो इस देश के लिए हमेशा खिलाफत करते रहे, देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग जो आंदोलन में सक्रिय हो गए और आंदोलन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार के लोग वामपंथी मानसिकता के जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं वो इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने हितों के बारे में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए जो बिल लेकर के आई है, ये बिल किसानों के हितों का बिल है और देश का किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और तथाकथित वामपंथियों ने इस आंदोलन को देश को अस्थिर करने का प्रयास जो तथाकथित तौर पर कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है जो इस देश का किसान न कभी स्वीकार करेगा। आने वाला जो बिल जो एक्ट बनाया है ये किसानों के हितों में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के बीच जाकर के इस बिल के बारे में भी जो वास्तविकता है हमने बताई और किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। जो लगातार इस बिल के माध्यम से जो किसानों को झूठ छल कपट जो कांग्रेस का चरित्र है, जो प्रयास वो फिर एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर जनता के सामने उस बिल के बारे में किस प्रकार से बिल किसानों के हितों का बिल है, किस प्रकार से किसानों को संरक्षण करने का बिल है, किस प्रकार से किसानों को समृद्ध बनाने का बिल है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व किसानों के बीच जाकर के किसान चौपालें भी होंगी, किसानों के सम्मेलन भी होंगे और उनके बीच जाकर के अपनी बात को इस बिल के समर्थन में, जो किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है उनके साथ जाकर के बात करेंगे। चार घंटा नहीं देता है ना कोई किसी प्रकार की चीज़ें होती हैं, हमारा रूटीन सिस्टम है, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं, सारी बातों पर विचार मंथन होते हैं। भाई सिंधिया जी भोपाल आ रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश के नेता हैं, आ रहे हैं ना यहाँ, क्या गलत है? मैं ग्वालियर जाता हूँ तो कोई विशेष है क्या? मैं इंदौर जाता हूँ तो कोई विशेष है क्या? हम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चलता है, ये रूटीन है, इसमें रोज सिंधिया जी आएंगे, ऐसा कोई नहीं है। भाई साहब चुनाव हारने वाले के सामने नाम लेकर शिकायत की ये कार्रवाई? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी कहना ये जो आप कह रहे हैं ऐसा कहीं कोई नहीं है, हम सामान्य तौर पर बैठे लेकिन सिर्फ